दोस्तों गुड म८र्निंग, आज हो चुका है 30 जुलाई 2020 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफ़ी ज़रूरी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। कर्नाटक 10 जुलाई से आशा वर्करों का विरोध प्रदर्शन जारी, प्रतिमा 12,000 रुपये वेतन की मांग। अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक के बेंगलुरु से, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता द्वारा शिवमोग्गा में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का यह विरोध 10 जुलाई से जारी है। आशा वर्कर प्रतिमा न्यूनतम वेतन 12,000 रुपए की मांग कर रही है। कर्नाटक के ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर से जुड़े आशा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने काफी समय से अपने इस विरोध को जारी रखा है। बताया गया कि उनका 12,000 रुपए प्रतिमा वेतन के साथ कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट की भी मांग की है। विरोध के शुरुआत में बताया गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आशा कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। उन्होंने पार्टी की तरफ से संभव मदद देने की उम्मीद जताई। आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक महीने 6,000 रुपए वेतन मिलता है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। बलिया में 62 की उम्र पूरी कर चुकी 126 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवा मुक्त। बाल विकास परियोजना में 62 की उम्र पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सेवा समाप्त किए जाने की कार्रवाई मंडल के बलिया से शुरू हो गई है। इस जिले में अब तक 126 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि आजमगढ़ और मऊ में निदेशालय के निर्देश के अनुपालन में परियोजना बार स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में होनी है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के सीवान से। आशा कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगा किया प्रदर्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नेतृत्व संघ के प्रखंड अध्यक्ष माया देवी ने किया। आशा कार्यकर्ताओं ने सीएस व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। संघ के आह्वान पर आशा कर्मी 6 से 9 अगस्त तक हड़ताल पर रहने की घोषणा की गई। आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, प्रोत्साहन भत्ते की जगह बढ़ोतरी कर मानदेय देने सहित अन्य मांगों के समर्थन में पूर्व में भी धरना प्रदर्शन हो चुका है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार 2012 सरकार का मिलाकर 3,000 रुपए मानदेय प्रतिमा देने वादा किया था। उनका कहना है कि इससे संबंधित सरकार का पत्र भी आ गया है, बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के जयपुर से। तैयारी, 65,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को और बेहतर पोषण देने के लिए बनेंगे न्यूट्री गार्डन। राज्य के 65,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका तैयार की जाएगी। इन वाटिकाओं में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों के पौधे लगाए जाएंगे। 30 जुलाई से 15 अगस्त ये वाटिका तैयार कर दी जाएंगी। इसके लिए 27.85 लाख रुपए का बजट रखा गया है। पोषण वाटिका अभियान के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने 5 पौधे लगाकर इन वाटिकाओं का शुभारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महात्मा गांधी नरेगा के समन्वय से व्यापक योजना भी बनाए जाने के निर्देश दिए गए। जहां 4 दीवारी से घिरा परिसर उपलब्ध है, वहां और भी बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और दोस्तों अगले अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। आशा वर्कर को बनाया जाए सरकारी कर्मचारी। देहरा व बैजनाथ में मंगलवार को मांगों के समर्थन में आशा वर्करों ने आवाज बुलंद की। उन्होंने मांग की कि आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन 8,000 रुपए किया जाए, पेंशन लाभ, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख का प्रावधान किया जाए। कोरोना से सेवा अवधि में किसी भी प्रकार की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उनके आश्रितों को 1 मुश्त 50 लाख रुपए दिए जाएं। देहरा में SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आशा कार्यकर्ता संघ की देहरा इकाई की प्रधान शशिलता ने बताया कि देश में करीब 10,25,000 आशा वर्कर हैं, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, टीकाकरण, स्वच्छता, जच्चा बच्चा देखभाल, संस्थागत प्रसव आदि के अलावा राज्य सरकार उनसे कई अन्य कार्य भी संचालित करवाती है, लेकिन उन्हें अल्प प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्तालाप करते हुए इनके प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का ऐलान किया था, लेकिन मंत्रालय से मात्र 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पति को दी गई 50 लाख की सहायता राशि। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आकर मृत श्रीमती कामनी निगम, पत्नी राकेश निगम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री निवासी भूरी देवी, गिरजाबाग के पति राकेश निगम को 50 लाख रुपए की चेक उनके घर पहुंचकर प्रदान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण में गंभीर रूप से आ जाने के कारण श्रीमती कामनी निगम का विगत दिवस आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष से शासन के दिशा निर्देश के अनुसार उनके पति राकेश निगम को अहेतुक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।